फरहाना दखियानूसी विचारों के खिलाफ खड़े होने की कहानी है। रिलीज के साथ ही इसका विरोध हो रहा है। कुछ संगठनों ने इसे एंटी इस्लाम कहा है। फरहाना की एक्ट्रेस ऐश्वर्या राजेश के चेन्नई आवास के बाहर स्टालिन की पुलिस तैनात है। वो कुछ कट्टरपंथी संगठनों के निशाने पर हैं, जो मान रहे हैं कि ये मुस्लिम समाज की नकारात्मक छवि दिखाती है। द केरला स्टोरी की ही तरह फिल्म का ट्रेलर आने के बाद विवादों का साया मंडराने लगा। इंडियन नेशनल लीग सहित कुछ मुस्लिम संगठनों ने इस फिल्म को इस्लामिक विरोधी करार दिया। फरहाना कौन? फरहाना एक मुस्लिम युवती के संघर्ष की कहानी कहती है, जो परिवार के लिए फोन सेक्स चैट सर्विस कंपनी में नौकरी करने लग जाती है। नौकरी की शुरुआत में वो थोड़ा असहज महसूस करती है, फिर धीरे धीरे रम जाती है। इसके बाद उसे एक कॉलर पसंद आ जाता है। सिंपल सी कहानी उसी भावनात्मक रिश्ते की डोर में बंधी है। नेल्सन वेंकटेशन ने फिल्म फरहाना को डायरेक्ट किया है। विषय से खौफजदा समाज। द केरल स्टोरी को तमिलनाडु में रिलीज नहीं होने दिया गया। उसके साथ जुड़े विवाद की छाया से फरहाना भी प्रभावित हुई है। लगातार विभिन्न संगठनों के आक्रामक रुख से परेशान मुख्य भूमिका निभा रही तमिल अभिनेत्री ऐश्वर्या राजेश की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। धमकी को लेकर उन्होंने अपनी फिक्र भी जाहिर की और बार बार कहा कि ये धर्म से इतर महिलाओं के सेल्फ डिपेंडेंट होने की कहानी है। मैं इस किरदार को जरूर निभाती, फिर वह चाहे हिंदू या ईसाई ही क्यों ना हो। धर्म का एंगल मेरे लिए कोई बाधा नहीं रहा है। मेकर्स ने कही सद्भावना की बात। बढ़ते विवाद के बीच फिल्म मेकर्स ने भी एक बयान जारी किया था, अपना पक्ष रखा था। उन्होंने कहा, फरहाना किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है। मेकर्स ने कहा, हमारी फिल्मों ने धार्मिक सद्भावना, सामाजिक समरसता और प्यार के बारे में बात कही है। ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है।